अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो कैसे हैं आप? मेरा नाम सुदेश हाशमी और आप देख रहे हैं सुदेश हाशमी व्लॉग्स। तो मैं आज दोस्त के साथ कहीं जा रहा था, फहद के साथ, तो मैंने कहा कि आपको भी साथ लेके चलूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें और अब बेल के आइकन में। तो फाइनली फहद आ गया है, मैं उसके पास जा रहा हूँ। उसने मुझे इशारे पर बुलाया कि इशारे पर आ जा। मैंने कहा चलो मैं इशारे पर ही आ जाता हूँ, तो मसला ही नहीं है। इशारे की तरफ रवान दवा, वो सामने इशारा। सफाई हो रही है इस्लामाबाद में और ये सामने G91 स्ट्रीट 31, ये पता नहीं किस चीज़ की बिल्डिंग है सामने। यहाँ सुबह सुबह सफाई के लिए आ जाते हैं मर्द भी और औरतें भी, उनकी मुझे लगता है कोई सरकारी ड्यूटी है। सुबह सुबह के ये सफाई करते हैं। देखें खूबसूरती, देखें ये कोई दफ्तर है तो उसके सामने ग्रासी प्लाट बनाया हुआ इन्होंने। यहाँ खुशबू बहुत ज़्यादा है, अगर आप यहाँ होते तो बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत ही कमाल की। बस इशारे पर पहुँचने वाला हूँ तो देखते हैं फिर। वो वेट कर रहा है कब का आया हुआ है। उसने कहा कि इशारे पे आ जाना, मैं बैठा रहा हॉस्टल, तो मैं इतना फासला है मेरा, देख लें। इशारा भी खुल गया पर है कहाँ पे वो। वो सामने ठहरा हुआ है इशारे के ऊपर, ये सामने इशारा है G9 वाला पिशावर मोड़। हाँ भाई चलें। तो आप भी देखें इस्लामाबाद की खूबसूरती को। मैंने कहा कि व्लॉगिंग चैनल मैंने असल में बनाया इसलिए है कि मैंने कहा कि चलो यहाँ स्टडी करते हैं तो साथ के साथ व्लॉग भी बनाए रहेंगे। वैसे वीडियोस बनाते थे तो मैंने कहा चल चैनल पे चलती रहेंगी वीडियोस, तो चैनल बना लिया, अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोगों की वजह से। तो देखें ये बिल्डिंग्स हैं, इनके मुझे नाम वगैरह नहीं आते इतना, पर ये हैं कमाल के खूबसूरत जगह पे हैं। ये हैं G9 G94 में ये बिल्डिंग्स हैं और ये मोटरवे। यहाँ बहुत ही इस्लामाबाद में ये है साफ़ और क्लीन एरिया है, बहुत ज़्यादा साफ़ और क्लीन। सामने देखें पाकिस्तान मोनूमेंट, असल में शोर होता नहीं, इस वजह से मैंने कहा कि मैं ऐसे ही वीडियो बना देता हूँ तो बाद में मैं वो कर लूँगा, जैसे होता है कि बाद में वॉइस पे इनको बता दूँगा सब दोस्तों को। तो ये देखें सारा एरिया क्लीन है। तो संटोरा स्माल सामने नज़र आ रहा है, पहले सुबह सुबह फाद की कॉल आ गई कि नहीं जाना। मैंने कहा कि यार मैंने तो तैयारी भी कर ली और तू कह रहा कि नहीं जाना, तो फिर बेचारे ने तैयारी की और आ गया। मैंने कहा ऐसे चलो विज़िट भी कर लेंगे, इलाका घूम फिर लेंगे, चलो हॉस्पिटल भी हो लेंगे। तो फिर हॉस्पिटल भी CDA में है, तो यहाँ से रास्ता बंद है, तो देखें आगे चल के देखते हैं जो ऐसे कच्चे रास्ते से जाएंगे। वो भी बड़ा प्यारा सीन है जहाँ से हम गुजरे हैं कच्चे रास्ते से, ये देखें ये सारा कच्चा रास्ता है। तो यहाँ से हमने ये क्रॉस किया, आगे आगे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगहें हैं। ये मैं पीछे बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, फाद ड्राइव कर रहा है।
इस तरह से हम पहुँचे अपने मंजिल मकसूद पे। अभी भी टाइम पड़ा है क्योंकि थोड़े टाइम और लगेगा हमें जाते जाते हुए। अब इस जगह का मुझे नाम नहीं आता सही से, CDA, ये पता है कि ये जगह CDA, फाद कोई और नाम बता रहा था इस जगह की, क्योंकि वो इस्लामाबाद के रहिया और यहीं रहने वाला है। तो मैं सिर्फ वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उसके साथ मैं अब इंशाल्लाह इंटर्नशिप भी स्टार्ट कर दूँगा, तो इंटर्नशिप स्टार्ट कर दूँगा। फिर इतना टाइम मिलेगा नहीं, पता नहीं व्लॉग बनाता हूँ कि नहीं बनाता, तो देखें। इस्लामाबाद में मैं 2018 से आया हूँ तकरीबन। मैं और सिटी में अभी गया हुआ हूँ, बट इस्लामाबाद भाग गया मुझे, क्योंकि ये सीन है ना, मैंने FSC यहीं पे की है, तो BS का मेरा एडमिशन हर जगह पे हो सकता था, कराची हो सकता था, लाहौर, फैसलाबाद और हर जगह पे हो सकता था, बट मैंने कहा कि पढ़ना है तो इस्लामाबाद पढ़ना है, क्योंकि ये एक तो नीट और क्लीन एरिया है, तो ना इसमें शोर शराबा ना कुछ, शोर शराबे से मुझे उलझन होती है, तो बस इसी वजह से यहाँ एडमिशन ले लिया। तो हॉस्पिटल भी जाते हैं, इंटर्नशिप इंशाल्लाह कुछ दिनों तक इंटर्नशिप पे जाएंगे, तो यूनिवर्सिटी भी जाते हैं, इंटर्नशिप पे भी जाएंगे। आप कहेंगे कि ये कौन सी बातें छेड़ के बैठ गया है। इस्लामाबाद सो ब्यूटीफुल, बड़ा कमाल का इलाका है। वो कहते हैं ना कि इस्लामाबाद बस दिल बन चुका है, मैंने बहुत ऐसे मीम्स देखे हैं कि इस्लामाबाद हमारा दिल है वगैरह वगैरह, तो इस वजह से ये हमारा भी दिल बन चुका है, क्योंकि यार इतना साफ जगह जब बंदा कहीं रहने लग जाता है तो वाकई ऐसा महसूस होता है कि दिल ही है बंदे का, अगर दिल बंदे का साफ हो जाए तो। देखें ये हॉस्पिटल है, हम अब वापस जा रहे हैं क्योंकि अंदर अलाउ नहीं होता वीडियो बनाना, तो इस वजह से मैंने बनाई नहीं है। ये देखें ये CDA हॉस्पिटल के अंदर है हम, ये सामने फहद और उसका दोस्त घूम फिर रहा है, तो मैंने कहा चलो इस थोड़ी सी फ्रंट की वीडियो बना लूँ, तो मैंने वीडियो बना ली, ये बाहर गेट के सामने बनाई है वीडियो, CDA हॉस्पिटल के गेट के सामने वीडियो बनाई है। ये देखें आपको सही प्यारा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस वजह से। यहाँ एक मैंने खासियत देखी है, वो ख़ासियत यह है कि इस्लामाबाद में रिक्शा अलाउ नहीं है, ऐसी कोई भारी चीज़ भी अलाउ नहीं है कि जैसे बड़ी टैंकर वगैरह आ जाते हैं वो शाम को आते हैं, तो यहाँ सिर्फ वो हैं। देखें ये हॉस्पिटल का दूसरा गेट है, तो यहाँ जस्ट कार और ये चीज़ें बड़ी, जैसे मकसद फार्चूनर हो गई है, मोटर बाइक तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ही। तो फिर मैंने कहा कि चलो अपनी दीदार भी बंदे करवा दें, तो आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो लाइक भी कर